दोस्तों मार्केट में M30 आ चुका है, गैलेक्सी M30, और ये काफ़ी कमाल का मोबाइल है, मतलब काफ़ी अच्छा मोबाइल है अगर आप सैमसंग का कोई मोबाइल देखना चाह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी कमियां हैं कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, और साथ साथ में इसकी खूबियां भी बताऊंगा कि आपको ये मोबाइल क्यों खरीदना चाहिए, ये मोबाइल क्यों इतना अच्छा है कि ये 15,000 का प्राइस टैग डिजर्व करता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कमियां क्या है। तो कमियां मुझे ज़्यादा कुछ लगी नहीं है, सिर्फ दो कमियां लगी है। पहली कमी ये है कि जो इसकी बैक है वो अभी भी प्लास्टिक है, मतलब सैमसंग 15,000 रुपये बेस वेरियंट के ले रहा है, मतलब 15,000 रुपये आपसे लेता है और उसमें ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैग देता है। तो ये चीज़ मुझे कमी लगी है कि कम से कम उसको मेटल तो देना चाहिए, ग्लास तो चलो नहीं दे रहा है लेकिन कम से कम मेटल तो देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसी पॉलीकार्बोनेट बैग के ऊपर अटका हुआ है। बैग काफ़ी खूबसूरत लगती है लेकिन आप जब हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई प्लास्टिक है। 15,000 रुपये का मोबाइल लिया है लेकिन यार लग नहीं रहा है कि मैंने 15,000 खर्च कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा अपने हाथ में उसको पकड़ के। तो ये चीज़ मुझे कमी लगी है और ये चीज़ उसके अंदर कमी है। दोस्तों इसकी जो अगली कमी है वो ये है कि जो इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है वो इतना अच्छा है ही नहीं कि वो 15,000 रुपये डिजर्व करता है। अगर वहीं आप नोट 7 प्रो की तरफ बात करें तो उसका प्रोसेसर और M30 के प्रोसेसर में ज़मीन आसमान का फर्क है, मतलब आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि नोट 7 प्रो का प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और ये बहुत ही हल्का है उसके सामने। तो 15,000 रुपये ये प्रोसेसर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता जो कि M30 में दिया गया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 636 स्नैपड्रैगन से भी कम है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है इस मोबाइल के अंदर। और अगर आप पबजी के शौकीन है, अगर आपको हाई सेटिंग्स में पबजी खेलना है तो शायद वो आप इस मोबाइल के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके प्रोसेसर में उतनी ताकत ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये प्रोसेसर 15,000 रुपये कहीं से भी डिजर्व करता था। लेकिन सिर्फ यही दो इसके अंदर कमी की बात है, दूसरी कोई भी कमी की बात नहीं है। इसके बाद सारी की सारी अच्छी बातें, अच्छी बातें क्या हैं वो मैं आपको बताऊँ अगर शॉर्ट में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको फुल HD का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि M20 से काफ़ी अच्छा अपग्रेड है, और आपको 15,000 रुपये की रेंज में इससे अच्छा डिस्प्ले पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मतलब 15,000 रुपये में ये बेस्ट डिस्प्ले, आपको इससे अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को ही नहीं मिल सकता। कहीं भी आप मार्केट में चले जाएं 15,000 रुपये में M30 में सबसे अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। इसके अंदर जो दूसरी खूबी है कि आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, आपका एक नॉर्मल कैमरा हो गया, आपका एक टेलीफोटो लेंस हो गया और आपका साथ साथ में वाइड एंगल लेंस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा बहुत काम आता है, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग सकती है इस मोबाइल में कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कैमरे के डिपार्टमेंट में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, ये भी बहुत अच्छी बात है, और इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिलता है, मतलब आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड अलग से देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसमें। और जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको इसमें USB Type-C का सपोर्ट मिलता है और साथ साथ में फास्ट चार्जिंग मिलती है, और साथ साथ में फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, मतलब सैमसंग ने शाओमी की तरह बकवास हरकत नहीं करी कि फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं दिया है, सैमसंग ने फास्ट चार्जर अंदर दिया है बॉक्स के, और आपको कोई भी फास्ट चार्जर अलग से परचेज नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है सैमसंग ने, और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि ज़बरदस्त है, मतलब सीरियसली आपके 1.5 से 2 दिन आराम से निकाल देगी, बहुत ही आराम से निकाल देगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो दो कमियां मिलती हैं वो मैंने आपको शुरुआत में बता दी, लेकिन इसमें जो खूबियां हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, आप इस मोबाइल को इग्नोर नहीं कर सकते। सैमसंग ने 15,000 रुपये में बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि नोट 7 प्रो आ गया, क्योंकि नोट 7 प्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप सैमसंग के फ़ैन नहीं हैं आप कोई भी मोबाइल ले सकते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप नोट 7 प्रो खरीदें क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब खूबसूरत भी ज़्यादा दिखता है M30 से, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, मतलब हर डिपार्टमेंट पे वो नोट 7 प्रो ज़्यादा अच्छा है, और मैंने उसकी कमियां और खूबियों की भी वीडियो बना दी है नोट 7 प्रो की, तो अब वो आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मोबाइल की कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आपको तभी लेना चाहिए अगर आप सैमसंग के फ़ैन हैं, अगर आप सैमसंग के फ़ैन नहीं हैं तो मत लीजिए, और अगर आपको सैमसंग की सर्विस चाहिए क्योंकि सैमसंग की सर्विस काफ़ी अच्छी है, शाओमी की इतनी अच्छी नहीं है मैंने पर्सनली देखा है, लेकिन सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो आप सैमसंग को खरीद लीजिए, आग बंद करिए, क्योंकि 15,000 रुपये की रेंज में उसने बहुत ही अच्छा मोबाइल निकाला है। बस हाँ उसका प्रोसेसर थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप गेमिंग इतनी वगैरह नहीं करते तो आपका काम ये प्रोसेसर बहुत ही आराम से निकाल देगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप पे पर्सनली डिपेंड करती है कि आपको क्या चीज़ अच्छी चाहिए क्या चीज़ बुरी चाहिए, क्योंकि कमियां भी बता दी खूबियां भी बता दी, जो चीज़ आपको चाहिए वो इस मोबाइल में है कि नहीं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो आप उस हिसाब से जज कर सकते हैं कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा ओपिनियन यही होगा कि आप रेडमी नोट 7 प्रो ही लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा मोबाइल है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो रोज लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।